आप खैर ऑफिस से होंगे और जो हंसते और मुस्कुराते रहे। चलते हैं आज की वीडियो की जानिब। आज की वीडियो का टाइटल है 36 बिलियन डॉलर। मेरा ख्याल बाकी हिंदी में लिखा है, पहले वीडियो देखते हैं फिर देते हैं अपना ऑथेंटिक रिएक्शन। शहबाज शरीफ साहब के तुर्की के दौरे से कोई उम्मीदें हैं? अच्छी उम्मीदें तुर्की के अंदर खुद माशी क्राइसिस है, उनका लीरा क्रैश हुआ है। तुर्की को तो तुर्की से क्या हमारे जो रहा है, मुल्क का मसला मईशत है। मैं जो बात कह रहा हूँ वो ये कि वो फायर नहीं है, फायर। उन्होंने ये कहा कि ये हम श्रीलंका में भी देख चुके हैं कि पहले मुल्क दिवालिया करो, फिर घुटने टेको, फिर अपने हथियार जो एटमी हथियार है वो उनके हवाले करो, फिर ये अल्लाह अल्लाह खैर सलाह यूक्रेन बन जाओ या अफगानिस्तान बन जाओ। सॉरी, सवाल ये नहीं है कि हम किसकी तरफ देख रहे हैं, सवाल ये कि हमारी तरफ कौन देख रहा है। अब छोड़ देना कि हम अमेरिका की तरफ देख रहे हैं कि हम चाइना की तरफ, सवाल ये नहीं है, सवाल ये कि हमारी तरफ कौन देख रहा है इस वक्त। 36 बिलियन फॉरेन लोन्स हमें चाहिए, ये मिफ्ता इस्माइल साहब की ताजा तरीन उनका एलामिया है। इसी के खिलाफ तो हम एहतजाज कर रहे थे कि मकबूजा कश्मीर में पैलेट गन इस्तेमाल हो रही है, आज पंजाब में, आज इस्लामाबाद में आप वही छरे इस्तेमाल कर रहे हैं। क्या पैगाम दे रहे हैं आप दुनिया को कि पाकिस्तान में आज वो हो रहा है जो मकबूजा कश्मीर में होता था? कश्मीर को आज इज समथिंग विच इज वेरी क्लोज टू माई हार्ट सिंस डे वन, और हमने कश्मीरियों के साथ बड़ी ज्यादती की है। दिस इज अ पिक्चर ऑफ इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर, हाउ कैन यू से दैट? मकबूजा कश्मीर की एक फाइल फोटो देखिए, माशी फैसले मजबूत अहम फैसले, इस पर तो कोई राय नहीं है, दो आरा नहीं है कि ये आपने सब्सिडीज को खत्म करना था, अब किस्तों में करना था, एक दफा करना था, दो दफा करना था। असल मसला ये है कि IMF के साथ मुआहदा दस्तखत नहीं हुआ, जो असल इशू है, जो लोगों को समझ रहे हैं कि शायद ये जो बिजली का मामला, ये पेट्रोलियम का मामला इसलिए हो गया है कि IMF खुश हो गई, IMF खुश नहीं हुई। मजीद शरायत उनकी एक कंडीशन पूरी हुई है, एक बम और गिरना है अभी, और वो इतना ही बड़ा बम गिरना है, पेट्रोलियम का सब्सिडियां जब खत्म होंगी वो इतना या इससे ज्यादा बड़ा बम गिरना है, और वो गिरेगा तो उसके बाद वो $1 अरब आएगा, और वो जब $1 अरब आ जाएगा तो फिर सऊदी अरबिया के साथ आपके मामला तय होंगे कि वो अपने पैसे नहीं निकलवाएंगे, और फिर आपके UAE के साथ तय होंगे, और फिर आपके चाइना के साथ तय होंगे, जो मैं बार बार बात कह रहा हूं। तो असल में मुआहदा भी नहीं, ये स्टाफ लेवल एग्रीमेंट साइन नहीं हुआ, अभी उनकी एक प्री कंडीशन आपने पूरी की है कि अच्छा जी दोबारा बैठना है तो फिर ये करके आओ, तो वो ये करके हम जब जाएंगे तो कहेंगे दूसरा करो, तो फिर दूसरा करेंगे, तो फिर उसके बाद कहीं जाके मुआहदा हमारा दस्तखत होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब के तुर्की के दौरे से कोई उम्मीदें हैं? अच्छी उम्मीदें। तुर्की के अंदर खुद माशी क्राइसिस है, उनका लीरा क्रैश हुआ है। तुर्की को तो तुर्की से क्या हमारे, और इतना भारी भरकम डेलीगेशन जा रहा है कल, उसमें कारोबारी शख्सियात भी हैं, उसमें इत्तेहादी वज़रा भी हैं, उसमें ये भी, हमारा बरादर मुल्क का अच्छा दौरा हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। मुल्क का मसला मईशत है। मैं जो बात कह रहा हूं वो ये कि वो फायर नहीं है, फायर। कामयाब दौरे से अचीव क्या हुआ है, क्या डॉलर्स आ गए हैं, क्या तो वो नहीं हो रहा सर, उसकी वजह से। सवाल यहां पे ये है कि अभी भी हुकूमत अमेरिका की तरफ क्यों देख रहा है और हुकूमत रशिया की तरफ क्यों नहीं देख सकता, जबकि इमरान खान साहब कह चुके हैं कि वहां से हमें। सवाल ये नहीं है कि हम किसकी तरफ देख रहे हैं, सवाल ये कि हमारी तरफ कौन देख रहा है। अब छोड़ देना कि हम अमेरिका की तरफ देख रहे हैं कि हम चाइना की तरफ, सवाल ये नहीं है, सवाल ये कि हमारी तरफ कौन देख रहा है इस वक्त। अमेरिका के रोलर अप पे कम है दुनिया में इस वक्त, वो यूक्रेन जो है, वो यूक्रेन गले पड़ गया है। पेट्रोल की कीमत है इस वक्त 180 सर, 180 जी, 180। तो पेट्रोल की जो कीमत है वो हमने करनी है IMF को खुश करने के लिए अगले चंद दिनों में 130 रुपए, 180 से 230 रुपए, 130 रुपए, 180 से 230 रुपए, ठीक है। अच्छा, और 230 रुपए फी लीटर करनी है, यानी हमें उस पर ये, और ये सूरत में होगी 180 से 230 पे, अगर 115 पे पेट्रोल रुका रहता, लेकिन पेट्रोल इत्तेफाक से 120 पे हो गया है आलमी मंडी में बैरल, तो अब ये 230 से ये कुछ 240 तक जा सकती है प्राइस, ठीक है, 240 रुपए लीटर ये हमने करना है। अब बता दें आवाम को
तो ज़रा लोग तैयार हो जाएं ज़हनी तौर पे। और बिजली हमने बढ़ानी है अभी 5 से 7 रुपए यूनिट मजीद, और डीजल जो है वो जाएगा 196 रुपए का डीजल है गालिबन, तो डीजल 40 रुपए और बढ़ेगा अगर उसकी आलमी मंडी में प्राइस यही रही, तो 40 रुपए डीजल और बढ़ेगा। और पेट्रोल जो है वो जो कमिटमेंट्स हैं आईएमएफ के साथ वो 230 रुपए हैं लीटर, और उसमें हमने सिर्फ अभी उसकी एक बम का एक हिस्सा लोगों के सरों पे डाला है, जिसके नतीजे में ट्रांसपोर्ट के किराए, सब्जियां, जिसके नतीजे में आम जो अशियाँ हैं, जिंदगी लोगों की आगे, और पेट्रोल की कीमत बढ़नी है, और $1 बिलियन जो है वो हमें उसके बाद मिलेगा। चाहिए हमें कितने कितने चाहिए, ये एक सवाल है। तो मिफ्ता इस्माइल साहब ये खुशखबरी सुनाएंगे। मैंने आपसे कहा ना कि ये हमारे ये टोटल पॉलिटिकल एलीट क्यों एक्टिव नहीं हो रही, क्या वजह है? मिफ्ता, अब मैं एक्सप्रेस ट्रिब्यून को कोट कर रहा हूं ताकि एग्जैक्ट फिगर कोट हो जाए जो उन्होंने फरमाया है। हमें पैसे कितने चाहिए? 1 बिलियन के लिए हम कर रहे हैं ना, 2 बिलियन, 3 बिलियन, 4 बिलियन, 5 बिलियन, कितने चाहिए जरा दिखाएंगे एक्सप्रेस ट्रिब्यून? हमें पैसे चाहिए 36 बिलियन जी, अभी 1 बिलियन नहीं मिल रहा, 36 बिलियन फॉरेन लोन्स हमें चाहिए। ये मिफ्ता इस्माइल साहब की ताजा तरीन उनका एलामिया है। तो एक रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर ने कल एक मैसेज दिया है, जल्द से मैं वो अब आपको भेज देती हूँ, अपने दोस्तों को भी दिखा दीजिएगा। उन्होंने बोला है कि ये गेम प्लान हम बेवकूफ नहीं, हम एक्स फौजी हैं, सब कुछ देख चुके हैं। मेजर साहब की वीडियो की बात कर रही हैं आप? आई थिंक ही इज अ मेजर, आई एम नॉट मच ओल्डर, इज रिटायर्ड। और उन्होंने ये कहा कि ये हम श्रीलंका में भी देख चुके हैं कि पहले मुल्क दिवालिया करो, फिर घुटने टेको, फिर अपने हथियार जो एटमी हथियार है वो उनके हवाले करो, फिर ये अल्लाह अल्लाह खैर सलाह यूक्रेन बन जाओ या अफगानिस्तान बन जाओ, सॉरी ये हम अपनी वॉच पे नहीं होने देंगे। ये जो कह रही है ऑपोजिशन में आ जाए, इनको इस वक्त समझ जा रही। शाह महमूद कुरैशी साहब ने भी आज एक स्टेटमेंट दिया जो बड़ा अफसोसनाक है, क्या कहना मुझसे? इस्लामाबाद में और शेल कौन से इस्तेमाल किए गए? नॉर्मल नहीं, इसी के खिलाफ तो हम एहतजाज कर रहे थे कि मकबूजा कश्मीर में पैलेट गन इस्तेमाल हो रही है। आज पंजाब में, आज इस्लामाबाद में आप वही छरे इस्तेमाल कर रहे हैं। क्या पैगाम दे रहे हैं आप दुनिया को कि पाकिस्तान में आज वो हो रहा है जो मकबूजा कश्मीर में होता था? कि कश्मीर जो है दैट इज अ जेन्युइन मूवमेंट फॉर इंडिपेंडेंस। पिछले 74 साल से मकबूजा कश्मीर के जो लोग हैं वो अपनी आजादी की जंग लड़ रहे हैं, उसके लिए उन्होंने शहादतें दी हैं, उसके लिए उन्होंने बहुत तकलीफें उठाई हैं, और इसमें कोई शक नहीं है कि वहां पे शहादतें और जिस तरह से वहां पे खवातीन की असमत दरी हुई है, रिपोर्ट्स हमारे सामने। जब आप एहतजाज के लिए निकलते हैं और सिटिंग गवर्नमेंट आपको रोकने की कोशिश करती है, ठीक है ये कोई पहली दफा पाकिस्तान की तारीख में तो नहीं हुआ कि लाठी चार्ज हुआ हो या फिर शेलिंग हुई हो या फिर वाटर कैनन्स तो नहीं इस्तेमाल। दिस इज अ पिक्चर ऑफ इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर, हाउ कैन यू से दैट? मकबूजा कश्मीर की एक फाइल फोटो, ये डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा की गाड़ी थी। मैं कहता हूं कि ठीक है बड़ा जुल्म हो गया होगा डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा के साथ, पुलिस ने उनकी गाड़ी रोकी, उसके शीशे तोड़ दिए। आप मुझे बताएं कि आपके दौरे हुकूमत में जब मुजाहिरीन बाहर निकलते हैं आपकी हुकूमत के खिलाफ एहतजाज करने के लिए, आपने कभी लाठी चार्ज नहीं किया था या आपने कभी जो है शेलिंग नहीं की थी या आपने वाटर कैनन इस्तेमाल नहीं किए थे? टीचर्स के खिलाफ जब वो एहतजाज कर रहे थे, मुजाहिरीन के तौर पे सड़कों पर मौजूद थे, उन चार्ज हुआ था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में और वाटर कैनन भी इस्तेमाल हुआ था, तो तब तो आपने नहीं कहा कि ये मकबूजा कश्मीर बन गया, अब आप कह रहे हैं कि वो मकबूजा कश्मीर बन गया सिर्फ इसलिए कि इस बार आप ऑपोजिशन में, आप एहतजाज करें, हुकूमत जो है वो मखलूत है और वो रियासती मशीनरी का इस्तेमाल कर रही है। डू नॉट डू दिस, इसको मकबूजा कश्मीर से नहीं मिला है। कश्मीर को एज समथिंग विच इज वेरी क्लोज टू माई हार्ट सिंस डे वन, और हमने कश्मीरियों के साथ बड़ी ज्यादती की है। हम में वो सलाहियत, वो कॉम्पिटेंस नहीं थी कि हम कश्मीर कॉज को इंटरनेशनल लॉज के मुताबिक बैनुल अक्वामी सतह में, यूनाइटेड नेशंस में, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में प्लीड करते। अगर हम ये नहीं कर सके, उनका कोई फायदा नहीं कर सके, तो हम उनका नुकसान भी ना करें अपनी सियासत चमकाने के लिए, अपनी पॉलिटिक्स के लिए, अपनी सियासत के लिए हम कहें कि पाकिस्तान मकबूजा कश्मीर बन। 2.5 लाख शहादतें, 13,000 से ऊपर रेप इंसिडेंट्स, क्या हुआ पर टीचर्स पर, तीनों बड़े पढ़े लिखे तबके हैं, वो अब जब अपने हकूक के लिए सड़कों पर आते रहे आपके दौरे हुकूमत में। तो वीडियो तो भी खत्म, सबसे पहले तो वीडियो का ये था कि पाकिस्तान नीड्स 36 बिलियन डॉलर्स मोर
पाकिस्तान को अपनी इकोनॉमी स्टेबल करने के लिए चाहिए, तो सिर्फ एक IMF से एक डॉलर अरब लेने के लिए अभी तक मिले नहीं है। जो इतनी पहले शरारत है कि वो पहले उन्होंने भेजा है कि आप अपने पेट्रोल की डीजल अपने पेट्रोल की कीमतें और डीजल की कीमतें बढ़ाएं और बिजली की भी आज बढ़ाएं, अभी तक मिला नहीं है। उसके बाद अभी वो बता रहे थे कि उसके बाद अभी साइन होना है जो एग्रीमेंट है, इसके बाद वो कह रहे थे 230 तक कह रहा है, 230 पर लीटर पेट्रोल की कीमत जाएगी तब जाकर हमें एक डॉलर मिलेगा, एक अरब डॉलर, और हमें चाहिए 36 बिलियन डॉलर पाकिस्तान की जरूरियात को पूरा करने के लिए मेरे ख्याल में। और भाई खूब आप कहते हैं कि हम गुलाम नहीं है, हमें बनाया किसने यार, हम इससे बड़ी गुलामी क्या हो भाई, ये गुलामी में लाया कौन हमें ये तो बता यार, जो भी लाया हो इस लाल का कसूर पता क्या है, इस तमाम का कसूर ये है कि मैं आपकी बात इन गंदे बंदों को लेके आए क्योंकि और ऑप्शन ही कोई नजर नहीं आ रहा था। ये दो घराने थे 40 साल से हुकूमत कर रहे थे, ये दोनों अकादमी को बढ़ाने के लिए कुछ किए, आवाम को अच्छा रिलीफ दिए ही नहीं, पाकिस्तान की कंट्री को अच्छी कंट्री का इंडिया कुछ किए ही नहीं। मैं तो आप पता क्या करना पड़ेगा, आप ही नहीं पिछले दौर में जाना पड़ेगा, बैल के ऊपर अपनी जमीन काश करना पड़ेगी, साइकिल के ऊपर काम काज पे जाना पड़ेगा, अब वो वक्त आ चुका है सब कुछ ऐसे हमें करना पड़ेगा। इसका मतलब है कि हमें हुक्मरान 100 साल पीछे ले जा चुके हैं, ले जा चुके हैं मेरे भाई, ये हकीकत है, वो हमें पीछे ले के जा चुके हैं 100 साल 200 साल पीछे, वो पीछे हमें धकेल दिया, दो घरानों ने धकेला, दो, सबसे पहला नाम नवाज शरीफ, दूसरा नाम है जरदारी, इन्होंने हमें इतना पीछे धकेल दिया कि क्या सब हुक्मरान अच्छा मिला था, कौन सा हुक्मरान इससे पहले अच्छा मिला, कोई एक बता दे, इससे पहले जाकत अली खान की हुकूमत देखो, वो दौर देख ले और यार वो तो सबसे अच्छा दौर था ना, मुशर्रफ का दौर, मुशर्रफ के दौर में क्या इकॉनमी नहीं अच्छी थी, बहुत अच्छी नहीं, क्या क्या पाकिस्तान इतना गंदा था पाकिस्तान के ऊपर, क्या पाकिस्तान इतना, यार मेरी तो सुन लिया करे, मैं अगर इन दोनों ने हमें तुन के रख दिया है, आप हकीकत में जर्नलाइज करें ना, हकीकत में देखें तो पाकिस्तान में जो दहशत गर्दी आई है ना वो मुशरफ के फैसले की वजह से आई है, अगर मुशरफ अमेरिका को ये अड्डे ना ना देता तो अफगानिस्तान के जो मुजाहिदीन या जो थे उधर के अफगानिस्तान के अवाम, क्योंकि मुशरफ ने अड्डे दिए, अमेरिका ने अटैक्स किए उधर अपना पाकिस्तान को दहशत गर्दी ने पहुंचाया, पूरी दुनिया में खराब हुआ है, हमारे जो पूरी दुनिया की कंपनीज थी उनका इत्माद हमारे मुल्क से उठ गया है, जब हमारे मुल्क से इत्माद उठा तो ये कंपनीज हमारे मुल्क में सरमाया आना बंद हो गया, ये मेरे ख्याल में एक इस मुशर्रफ के इस फैसले ने हमें इस क्राइसिस में लेकर गया। मैं तो सबसे ज्यादा जो कसूर है ना मुशर्रफ का गिनता, अगर वो अड्डे ना देते ना अमेरिका की जंग में हम शामिल होते ना, हमें ये क्राइसिस देखने पड़ते ना, हमें ये कुर्बानियां देनी पड़ती, कुर्बानियां देने के बाद भी उसकी कदर नहीं है, मैं तो कहता कि एक तरफ हम कुर्बानियां तो यार क्या क्या कह रहा है, वो भी तो यही कह रहा है मुशर्रफ ने NRO ना क्यों दिया, नवाज शरीफ और जरदारी ने भी इकॉनमी को ऊपर जाने के बजाय नीचे गिराया, उन्होंने भी पाकिस्तान का इमेज नीचे गिरा दिया, पाकिस्तान ऊपर नहीं जाने दिया, सिर्फ अपने बैंक बैलेंस ही बनाया, अपने बच्चों के लिए कुछ किया, बार बार हाथ खरीदे वो ही किया, पाकिस्तान के लिए कुछ नहीं किया, फिर हमें इंडिया की मिसाल देनी पड़ती है, अभी मोदी आ गया उसने ये कर दिया, मनमोहन सिंह ने वो भाई उन्होंने अपने मुल्क के लिए किया, हमारे मुल्क में कोई बंदी नहीं आया, तो बात उन्हें जो है ना रुखसार भाई की बात ठीक है, हमें महसूस होता है कि मुशर्रफ का दौर बहुत अच्छा था, पैसा था अमेरिका ने पैसे दिए थे और मुशर्रफ साहब ने मुल्क पर लगाए, ये नहीं सोचा कि मुल्क इसके बाद कहां जाएगा, यही बात, ये सोच होती तो पाकिस्तान अभी स्टेबल होता, आएगी अवाम में भी शोर नहीं ना, अवाम आज नवाज शरीफ इलेक्शन पे आ गया है, आज ही अवाम नवाज शरीफ को जिताने के लिए खड़ी हो जाएगी, अवाम में शोर कब आएगा, अवाम कब जाएगी, एक अकेला सियासतदान कुछ नहीं कर सकता, अवाम को भी साथ देना पड़ता है, अवाम भी निकलेगा, भी एक चोर है एक साधक और अमीर बनता है भाई, अवाम को भी सोचना है, सोचा कि कुछ नहीं होगा, अच्छा मैं बात भाई गुजार आप ठंडे दिमाग से सोचें, ये छोड़ दे हमें किसने किया, आप इस बात को एक्सेप्ट करते हैं कि हम आज अमेरिका के गुलाम हैं, तो हमें है बने हुए हैं भाई, ये बातें
तो पार किया ना ये मेरा भाई जो हालात हकीकत है उनका से छुपा सकते हैं, गुलामी कर रहे जब जिससे पैसा मांग रहे हो हम उसके गुलामी है और क्या जमात है उसको जमहूरी और आईनी हक है कि वो अपना पूरा अमल एहतजाज कर सकते हैं। तो जब इमरान खान के घोबर में एहतजाज हो गई या भाई दूजा क्या है फौजी सॉरी फजल रहमान ने एहतजाज करने किए इमरान खान ने तो कुछ नहीं किया, आने की इजाजत थी सिर्फ ये कहा कि रेड जोन में आप आए इस्लामाबाद लेकर पूरा अमल रहे, और फजल दूसरे बिलावल को भी ये कहा, मरियम और हमजा को भी ये कहा, किसी के ऊपर कुछ चैलेंज नहीं की, कोई एक बंदा भी घूमत में नहीं मारा, एक बंदे को गोली नहीं चलाई, जिस तरह राणा राणा जो है ना वो बेगैरत मूछ वाला बंदर उसने दिन दिहाड़े गोली चलाई, वो पुलिस वाले की बहने माए भी इमरान खान ने ऐसा कुछ नहीं वाला याद किया जिस तरह ये तीनों बंदों ने किया है। ये भी खदशा था कि अवाम सारा इस्लामाबाद सील हो जाए, इस्लामाबाद सील हो हालात को मद्देनजर रखते हुए इमरान खान ने ये धरना खत्म किया है, वरना इमरान खान पीछे नहीं आ रहा था, इमरान खान को दर्द है अपनी अवाम का अपने मुल्क का, इसलिए वो पीछे हटा है। ये बातें करते हमारे पाकिस्तान के अंदर आके ये पैसे का बिकाऊ है, बैंकर जो एहतशाम बात कर रहा था ये भी बिकाऊ है, अहमद मीर देख ले, सलीम साहब भी देख ले, जुवेद चौधरी बड़े बड़े देख ले, ये बात है, ये बात हम नहीं कर रहे, बिकाऊ है, बात सुन ले यार, मेरी बात सुन ले, ये पैसा लेके बात करते हैं, बात सुन ले, हर हक की बात करने वाला बिकाऊ नहीं होता, आपको क्या प्रूफ है अहमद मीर पैसे लेता है, अहमद मैं यकीन के साथ कहता हूं अहमद मीर बिकाऊ है, मेरी बात मुकम्मल हो गई, सबूत देने लगा था, मुबश्शिर लुकमान उसका नाम है, देख लो पाकिस्तान तरीके से इंसाफ की हुकूमत आने से पहले वो ही बंदा कंटेनर के ऊपर खड़े होके नवाज शरीफ और जरदारी को क्या क्या बातें कहता था, इमरान खान के साथ खड़ा होके बिकाऊ की बात देख रहे, बिकाऊ है कि नहीं, एक मिनट, एक बीघा जमीन है, एक बीघा जमीन वो कहा है, रायबेड़ी के सामने पड़ी है, वो किसकी है, मुबश्शिर लुकमान एंकर की, उस वक्त वो नवाज शरीफ के कब्जे में थी, इमरान खान के साथ खड़ा होके उनको गलत बोलता था, आज वो जमीन मुबश्शिर लुकमान को वापस दे दी गई है, किसने दी, नवाज शरीफ ने, आज वो इमरान खान के खिलाफ बोल रहा है, इससे क्या साबित होता है, बता असल बता मुझे, ये बिकाऊ नहीं था और क्या, ये मिसाल नहीं है, सबूत है, असल में ये बात है कि जो मैं तो इस बात से अग्री नहीं करता, हर बात जो हक की करने वाला बिकाऊ हर नहीं होता, हर बंदे की बात नहीं कर रहा, मैं जिनका नाम लिया मैं इनकी ही बात कर रहा हूँ, अहमद मीर देखो हमारी फौज के खिलाफ बयानियां उसने दिए हुए हर माशरे में, वो कैसे हमारा दंगा हो सकता है, ये अच्छे बुरे लोग हर माशरे में होते हैं, होते हैं, लेकिन भाई हमारे माशरे में जिस तरह हमारे सियासतदानों ने तीन चार एंकरों ने पहुंचा दिया है ना, अल्लाह ही भारत है, अल्लाह ही हमारे इंशाल्लाह मदद करेगा,
अगर इमरान खान आए तो भाई पाकिस्तान ग्रो करेगा, वरना अगर नवाज शरीफ जरदारी आ गए श्रीलंका से भी नीचे जाएंगे, याद रख लेना। नहीं, उम्मीद करते हैं कि अल्लाह करे कि हमारा मुल्क भी तब दूसरे मुल्क जो तरक्की कर रहे हैं उनकी तरह हमारा मुल्क भी तरक्की करे, लेकिन आवाम में शोर आए तो वो लीडर भी शोर वाला होगा तब। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी, अगर वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट्स और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज़।